सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन आवर न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट। और बिलीव मी, बहुत आसान टॉपिक है ये। कुछ चीज़ें आपको बस याद रखनी, इमेजिन करनी है, और टॉपिक ये बहुत ही आसान है। चाहे जेई मेंस हो, चाहे नीट हो, और या चाहे जे एडवांस, एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो 12th के लिए फिजिकल केमिस्ट्री है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चारों से पाँचों चैप्टर में से पांच क्वेश्चन आपके फिक्स रहेंगे। पांच क्वेश्चन का मतलब सीरियसली 20 मार्क्स होता बेटा, चाहे वो नीट में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, चाहे जेई एडवांस में 20 मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट जेई एडवांस में हो सकता है 30 से 35 मार्क्स का भी 12th के फिजिकल केमिस्ट्री से आ सकता है। क्योंकि आपको पता है एडवांस में 45% वेटेज से फिजिकल का रहता है, 40 से 45% वेटेज फिजिकल रहता है, ठीक है। तो और नीट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। चलो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट। तो आखिर सॉलिड स्टेट होता क्या? तो मुझे पता है कोई भी गिवन सब्सटेंस तीन फेज में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसेस के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है, हम पहले ही चीजों को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर जैसे वाटर सॉलिड फेज में भी कर सकता है, लिक्विड फेज में भी और गैस फेज में, डिपेंडिंग अपॉन द दो टाइप के फोर्स होते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन, एस्केपिंग टेंडेंसी। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? सॉलिड होगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होगा एस्केपिंग टेंडेंसी से, इसका मतलब वो लिक्विड होगा। एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो उस सब्सटेंस को हम गैस कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज हमने पहले गैसेस स्टेट में आपको मैंने बताया था। तो बेसिकली मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ सॉलिड वगैरह की, और फिर आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो क्या होता है भैया, सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज देखो 12th में हमने गैसेस स्टेट पूरा, सॉरी 11th में हमने गैसेस स्टेट पूरा पढ़ा था, ठीक है। लिक्विड स्टेट के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, और सॉलिड स्टेट के बारे में यहां हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो व्हिच में व्हिच हैज सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हिच हैज सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, significant force of attraction between their molecule cannot सॉलिड वो मैटर का फॉर्म है जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पास नहीं कर सकता। एक तो ये बहुत पास होते हैं, और ये एक दूसरे को पास नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये इसको पास करके यहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इनकी अपनी खासियत होती है, ठीक है। तो इसको लिख दे दो, दैट इज अ फॉर्म हैविंग जब ये पास नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका क्या होगा? रिजिडिटी होगा, डेफिनेट रिजिडिटी होगा। अ फॉर्म हैविंग अ डेफिनेट रिजिडिटी फॉर्म हैविंग अ डेफिनेट रिजिडिटी एंड हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्पेशल प्रॉपर्टी, लाइक बाय देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक हाई डेंसिटी कॉमा वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन कॉमा लेस कंप्रेसिबिलिटी ठीक है। तो देखो, ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास
पास नहीं कर सकते, और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को पास नहीं करेंगे इसका मतलब उस वजह से जो डिफरेंट रिजिडिटी होती है, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है, पहली बात। दूसरी बात, अब किसी मैटर का, अगर कोई भी मैटर का स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन है और मान लो उसकी डेंसिटी हाई है या लेस कंप्रेसिबिलिटी है, तो वो फॉर्म ऑफ मैटर हमेशा क्या कहलाता है, सॉलिड स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉलिड स्टेट। तो ये बेसिक डेफिनेशन था सॉलिड स्टेट का, ठीक है। और ये सब थोड़ा बहुत मैंने आपको गैस स्टेट में भी कवर किया हुआ, ये सब चीजें, ठीक है। ठीक है, अब जो हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं भैया, टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए सॉलिड क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, अब इस यहाँ पे जो हम टाइप्स ऑफ सॉलिड जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के एग्जांपल से कहने का, बेसिकली सॉलिड दो टाइप के होते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग, एक होता है अमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टल। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अरेंजमेंट का क्या रोल आ गया, तो एक बहुत बड़ा रोल है। देखो अमॉर्फस सॉलिड का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ग्लास दे सकता हूँ, ठीक है। ग्लास का आप कोई भी शेप दे सकते हो, दुनिया में ग्लास के नंबर्स ऑफ शेप है, हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डायमंड का मतलब क्या होता है ना कि उसके डेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट शेप होती है, किसकी, अमॉर्फस सॉलिड की इनडेफिनेट शेप होती है। और इनमें जो एटम जो होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रहते, मतलब थोड़े दूर तक रहेंगे फिर थोड़ा गैप रहेगा, थोड़े दूर तक रहेंगे थोड़ा गैप रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है अमॉर्फस में। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका NaCl, आपने केमिकल बॉडी में पढ़ा होगा एक Na प्लस सिक्स Cl माइनस से घिरा हुआ रहता है, एक Cl माइनस ऐसे, एक Cl माइनस ऐसे, एक Cl माइनस, एक Cl माइनस, एक Cl माइनस, एक Cl माइनस ऐसे। तो मतलब उस मान लो अगर आपने इतना बड़ा NaCl का क्रिस्टल लिया, उसमें हर Na प्लस सिक्स Cl माइनस से ही घिरा हुआ रहेगा और वाइस वर्सा हर Cl माइनस सिक्स Na प्लस से घिरा हुआ रहेगा, मतलब ये शॉर्ट एंड शॉर्ट बात है, यही इसका पैटर्न होता है पूरे में। लेकिन ऐसा पैटर्न आपको अमॉर्फस सॉलिड में नहीं मिलेगा, अमॉर्फस सॉलिड में यहाँ कुछ देर तक एटम है फिर गायब है, कुछ देर तक एटम है फिर गायब है। तो इनको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं और उनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत से इन ऑर्डर इन मतलब पैटर्न की वजह से इनके काफी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती है। यही पैटर्न से हम डिसाइड करते हैं कि ये अमॉर्फस सॉलिड होगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स आर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, टू कैटेगरी। पहला है अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड क्या बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड विच डज नॉट हैव फिक्स्ड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, फिक्स्ड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल आर नोन एज अमॉर्फस सॉलिड, उसको हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस। जिस सॉलिड में कोई रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न नहीं होता एटम्स का, मतलब वो जो रेगुलर पैटर्न का अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो रेगुलर नहीं होता, तो उस सॉलिड्स को हम अमॉर्फस सॉलिड। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया NaCl के क्रिस्टल में हर Na प्लस सिक्स Cl माइनस से घिरा हुआ है, तो चाहे Na प्लस किसी भी पोजीशन में रहो वो हमेशा सिक्स Cl माइनस से घिरा हुआ है, तो इस तरीके से रेगुलर पैटर्न बनता है इनका और एक पूरा पार्टिकल इस अरेंजमेंट की वजह से पूरा क्रिस्टल बन जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसी वजह से आप किसी भी ग्लास को कोई भी शेप दे सकते हो, क्योंकि उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, और फिक्स पैटर्न नहीं तो उनका कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं होता, ये बात समझ में, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये मैंने आपको अभी बता दिया, दे आर शॉर्ट
रेंज ऑर्डर, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। और सबसे पहली बात, इनमें जो पैटर्न होता है वो बहुत शॉर्ट रेंज तक होता है, बाद में फिर गायब हो जाता है, फिर होता है, फिर गायब हो जाता है, फिर होता है, फिर गायब हो जाता है, ठीक है। तो इनको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। दे आर ऑब्टेंड बाय, हम इनको ये बनाते कैसे, अगर किसी लिक्विड को बहुत जल्दी ठंडा कर दिया, सडन कूलिंग कर दिया, जैसे वाटर, वाटर को सडनली मैंने आइस बना दिया एकदम तुरंत, ऐसा कोई मैंने डिवाइस लिया, हालांकि पॉसिबल नहीं है, पर एक समझने के तौर पर समझा रहा हूं। अगर आपने किसी लिक्विड को तुरंत ठंडा कर दिया तुरंत, तो जो सॉलिड बनता है वो हमेशा अमॉर्फस सॉलिड बनता है। तो याद रखें, किसी लिक्विड को सडन कूलिंग करने पर जो क्रिस्टल मिलता है वो अमॉर्फस क्रिस्टल होता है या अमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। तो दीज आर ऑब्टेंड बाय, दीज आर ऑब्टेंड बाय सडन कूलिंग ऑफ, दीज आर ऑब्टेंड बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है। तीसरा, आपको याद, एक बात याद रखना, जो जितने भी ग्लास होते हैं ना वो ट्रू सॉलिड नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड इनको ऐसा माना जाता है, दे आर कॉल्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं इनको, याद रखिएगा, ठीक है। दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, दे आर नॉट ट्रू, भले सॉलिड जैसे दिखते हैं बट सॉलिड सॉलिड जैसे होते नहीं, क्यों नहीं होते, इसका गेयर रिजर्व, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड एंड दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड एंड दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड एंड दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, देखो सॉलिड का मतलब भैया अगर मैं इसको 10 साल बाद ऐसा देखूं तो ये सेफ यही मिलेगा, तो ये सॉलिड है। लेकिन आपने देखा होगा जो पुरानी बसेस होती है उसमें विंडो जो खिड़की है, मतलब जो विंडोज होता है वो ग्लास का होता है, तो देखो नीचे से क्या होता है, वो नीचे से थोड़ा मोटा हो जाता है, अगर नहीं गौर किया तो कभी गौर करना, जो पुराने घर होते हैं उसमें अगर स्लाइडिंग वाली खिड़की है तो स्लाइड नहीं होते जाते, क्यों, क्योंकि नीचे का जो कांच होता है थोड़ा मोटा हो जाता है, स्लाइड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, ग्रेविटी के अलॉन्ग वो क्या करना था, फ्लो होने लगता है उसके पार्टिकल, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। और फ्लो होने की वजह से थोड़ा सा थिकनेस नीचे का कांच ग्लास से क्या होता है, मोटा हो जाता है, इसलिए इनको दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, याद रखना। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ, देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ एंड दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये मैं प्रॉपर्टीज वगैरह क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर, जेई वगैरह में, नीट वगैरह में, इसलिए ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, ठीक है। इनका कूलिंग कर्व होता है, मतलब कूलिंग कर्व का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का जो कर्व होता है इसे हम कूलिंग कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ये मेल्ट होते जाता है, ठीक है। इसका फॉर बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर, आपने प्लास्टिक को जलाया होगा, तो प्लास्टिक एट अ टेम्परेचर पे कभी नहीं जलता, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे इधर से गलेगा, इधर से गलेगा, इधर से गलेगा, इधर से गलेगा, एट अ टाइम उसी, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरा वो लिक्विड नहीं बनता है, इसलिए इनका कोई पर्टिकुलर कर्व नहीं होता। लेकिन आयनिक सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, पूरा का पूरा वो कंप्लीट लिक्विड बन जाता है। तो ये खासियत होती है, इनमें ऐसी कोई खासियत नहीं होती, ठीक है। ये किसी तरीके से भी पिघल, इधर से पिघलेगा, इधर से पिघलेगा, ऐसे ऐसे आपने प्लास्टिक को जलते हुए देखो तो एट अ टाइम वो पूरा नहीं पिघलता है, धीरे धीरे साइड बाय साइड पिघलता है, ठीक है। लेकिन आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मेल्ट करते हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज हैव सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मतलब
अगर मैं इस ये सॉलिड अगर ऐसे जाऊं तो भी मुझे प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, ऐसे जाऊं तो भी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, ऐसे जाऊं तो भी प्रॉपर्टी मुझे क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। और किसी सॉलिड के अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी मतलब क्या फिजिक, उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो उसका आप किसी भी डायरेक्शन में सब तरफ से उसका ये तीनों चीजें क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। That's why इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल होता है ग्लास, ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक रबर, ठीक है, रबर अमोर्फस सिलिका, अमोर्फस सिलिका ईटीसी, ये इसके किसके एग्जांपल है, अमोर्फस सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दिस इज कॉल्ड, इनका रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड्स व्हिच हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, सॉलिड्स व्हिच हैव रेगुलर pattern of arrangement, solids which have regular pattern of arrangement of particle are known as, of particle are known as crystalline solid, are known as crystalline solid, ठीक है, they are considered as true solid, इनको क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड बोला जाता है, दे आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड, दे आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड, ठीक है। फिक्स पैटर्न अरेंजमेंट होता है इनका, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो शॉर्ट रेंज होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो दे है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, दे है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, समझ में आया सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं देख इसके बाद है दे, हाँ, ये कैसे मिलता है मुझे दे, इनको सडन कूलिंग करने पर मिलता है, बट किसी लिक्विड का आप कंट्रोल्ड वे में कूलिंग करो और उसके बाद जो सॉलिड मिलता है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग, दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड, कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है, तब ये मुझे मिलता है, ठीक है। अब यहीं पे दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक होता है आइसोमॉर्फस, ठीक है, आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस मतलब एक सब सेम से बट टू डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर किसी दो कंपाउंड का शेप सेम हो बट टू डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस, जैसे ZnSO4 और FeSO4, भले कंपाउंड डिफरेंट बनी का शेप क्या है, सेम है, ठीक है, ZnSO4.7H2O और ये .7H2O, ठीक है, इसको हम ग्रीन विड्रॉल बोलते हैं, इसको हम व्हाइट विड्रॉल बोलते हैं, भले कंपाउंड अलग है,
सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये व्हाइट विट्रोल होगा और ये ग्रीन विट्रोल होगा, ठीक है। भले ही कंपाउंड अलग अलग बट इनके सेप क्या है, सेम इस तरीके का हम क्या बोलते हैं, दोनों टाइप के कंपाउंड हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस, ठीक है। एक होता है आपका पॉलीमॉर्फस, एक होता है आपका पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस मतलब क्या होगा, सेम मतलब सेम कंपाउंड सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। वन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, वन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइक ZnS, ZnS आपका कैसा होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर, क्या होता है जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, या ये सीसीपी होता है। और एक होता है उर्जलाइट, उर्जलाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा होता है, ऐसे अगर आपने पीरियडिक टेबल देखो, हर मेटल में देखो उसने एक शेप दी होगी, बीसीसी एफसीसी, ठीक है, एससीसी। तो वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे बीसीसी एफसीसी एससीपी कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यही ZnS दो स्ट्रक्चर शो करता है, एक एससीपी अगर शो करेगा तो उर्जलाइट बोला जाता है, और यही जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर अगर सीसीपी शो करता है तो कैसा बोला, क्या बोला जाता है, जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। इसमें टर्मिनोलॉजी था, ठीक है। तीसरा टर्मिनोलॉजी आता है, तीसरा प्रॉपर्टी आता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ, एंड देयर कूलिंग curve is not smooth, ठीक है। इनका cooling curve smooth नहीं होता है, ठीक है। temperature और time, तो मान लो पहले solid है, तो solid से पहले अपना temperature घटाएगा, उसके बाद कुछ देर तक constant रहेगा, पहले liquid में घटाएगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, इस तरीके से change होता है। तो आप देख रहे हो एक तरीके से क्या बन रहा है, इसका टेम्परेचर क्या है, कुछ देर के लिए इसका कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा अपना टेम्परेचर क्या कर देता है, घटा देता है एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या रहता है, स्ट्रक्चर कूलिंग कर्व रहता है, ठीक है। दिस इज और बेसिकली क्या होता है, ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये लास्ट आपका डिफरेंस है प्रॉपर्टी में, दे आर anisotropic in nature, they are anisotropic in nature, that is have different properties, that is have different properties in different direction, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे सपोज करो एक आपका डॉट वाला आइटम और एक क्रॉस वाला आइटम है, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में गया, देखो इस डायरेक्शन में गया तो आपको कौन सा आइटम मिलेंगे, सिर्फ क्रॉस वाले मिलेंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो आपको कौन सा आइटम मिलेगा, डॉट वाला। और अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो आपको डॉट और क्रॉस दोनों आइटम मिलेंगे। तो ऑब्वियस बात है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इनके एक बेस्ट एग्जांपल जैसे NaCl, ZnS, CuS, ठीक है, सॉरी CuS नहीं, CS, CsBr, ठीक है, Ag, Au, ठीक है, ये सारे सारे क्या होते हैं मेरे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा ना कहावत है कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो हीरा जब निकलता है खान वगैरह से तो एक पत्थर सा होता है, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। तो उसने देखा होगा आपने एक ऐसा और ऐसा राउंड फेस में देखा ना, ऊपर से गोल और ऐसे इस तरीके का जो शेप रहता है डायमंड का, वो एक्चुअली क्या करता है, जोरी हीरे में क्या होता है, आप हीरे को कहीं से काट नहीं सकते,
उसका मतलब देखो मैंने क्या बोला कि डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि डायमंड क्या है, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डायमंड, ठीक है। तो हर जगह पे मैंने क्या बोला प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो हर डायरेक्शन में उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, तो वो वहीं से उसको कट करता है जहां पे उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसलिए डायमंड के कटिंग में भी अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता है ये भी, ठीक है। कटिंग ऑफ डायमंड्स इज अ ह्यूज बिजनेस नाउ, मतलब इट्स अ 2 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री मान के चलो, और मतलब उसके कटिंग में ही लोग बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, मतलब ऐसे इस तरीके से, क्योंकि आप वो कटिंग करना भी एक अपने आप में कला की, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा उसके रिफ्रेंडिंग इंडेक्स कहाँ कम, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें जो सॉलिड स्टेट में हमें सीखनी रहती है, बट हालांकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है ये सब पार्ट, जब आप फर्दर केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह करते हो तब आपको ये सब चीजें ज्यादा पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इसके अकॉर्डिंग सॉलिड हमें दो टाइप का गया। अब हमें जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, किसके बारे में पढ़ना, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पूरा रफ कर देता हूं पहले मैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, हालांकि अमॉर्फस सॉलिड हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे पूरे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, पूरी सॉलिड स्टेट में आपको सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड ही आपको है, ठीक है। अब उसके बाद डिटेल में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको किस बेसिस पे किया गया, इनको नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे हम इनको फोर कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कॉमा दे आर क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरी में इनको पार्ट डिवाइड किया गया है, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप, ठीक है। आखिर इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद होगा इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये बात है। चलो अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है आपका आयनिक सॉलिड, कौन सा होता है, आयनिक सॉलिड में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं, तो आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, मतलब या तो आपको R+ में दिया रहेगा और Ra या R-, मतलब रेडियस अगर दो एटम की रेडियस अलग अलग है या डिफरेंट डिफरेंट नेचर के है तो वही पार्टिकल क्या बना सकते हैं, वही पार्टिकल आपके आयनिक सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि NaCl कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है,
या तो NaCl ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या तो NaCl ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, बट कभी भी NaCl में आयनिक बॉन्ड हम नहीं दिखाते, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, समझ में आया? तो आयनिक सॉलिड वही पार्टिकल फॉर्म करते हैं जिनके बीच में, जिनका बीच नेचर से डिफरेंट हो और उनका रेडियस भी डिफरेंट हो, आई बात समझ में। और इनका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे हाई होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है इनकी, हाई एमपी बीपी। ठीक है, अच्छा, गुड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और तो कोई नेचर है नहीं इसका। ठीक है, इसमें एग्जांपल हो जाएगा NaCl, NaCl, ZnS, CuBr, ठीक है, Na2O, Na2O और CaF2। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे? ये एग्जांपल हो जाएंगे तुम्हारे आयनिक सॉलिड्स के। ठीक है, ये पहला सॉलिड है आपका। दूसरा सॉलिड आता है आपका कोवेलेंट सॉलिड। कैसा आता है? कोवेलेंट। कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे रहते हैं? सेम एलिमेंट रहते हैं, या तो डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेंगे या तो डिफरेंट सेम एलिमेंट रहते, एटम्स ऑफ सेम ऑब्लिक डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम या डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। ठीक है, इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है? इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद अब आपको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है उनकी, बॉइलिंग पॉइंट भी उनकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका होगा डायमंड। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, आपको पता होगा डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल, इसलिए ये हार्ड भी होते हैं, जनरली हार्ड मान जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो डायमंड क्या है, डायमंड पूरा डायमंड में कौन सा एटम होता है? कार्बन ही, कार्बन। उसका डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल कार्बन, हर कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन से घिरा हुआ एक नाइट्रोजियंट स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल कार्बन रहता है और ऐसा जियंट लेयर बाय लेयर हेक्सागोनल लेयर ऑफ कार्बन रहता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सब है हमारे कोवेलेंट सॉलिड में। ठीक है, तीसरा सॉलिड आपका कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी एटम सेम या डिफरेंट एलिमेंट पे होंगे, एटम्स ऑफ सेम या ऑब्लिक डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम या ऑब्लिक डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, इसमें कौन सा, इनमें कौन सा होता है? इनमें वैंडरवाल बॉन्ड होता है, वैंडरवाल फोर्स होता है। कौन सा होता है? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वैंडरवाल का काफी वीक होता है, क्योंकि वीक है इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? वीक होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे I2 और दूसरे I2 के बीच में कौन सा फोर्स, कौन सा बॉन्ड रहेगा? वैंडरवाल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, HCl सॉलिड की बात करूं तो इसमें भी कौन सा रहेगा? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, और फॉस्फोरस सॉलिड की बात तो इसमें भी वही रहेगा, एसिड सॉलिड की बात करो तो इसमें भी क्या रहेगा? वैंडरवाल फोर्स आता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, फोर्थ है आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में फोर्थ वन आता है मेटालिक सॉलिड। कौन सा होता है? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम नहीं होते, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ही होते। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, इनमें कौन सा अट्रैक्शन होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है इनमें। कौन सा होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है भैया, सबसे पहली बात, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका आयरन, कॉपर, क्रोमियम, लिथियम, सोडियम, ये सारे के सारे क्या होता है? ये आपको आपको सिलेबस में सिर्फ आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड ही पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपको पूरा पूरा चैप्टर ही आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड के बारे में बताया। अगर डिफरेंट रेडियस के एटम है, मतलब डिफरेंट रेडियस के एटम है मतलब कैटायन और एनायन है तो आयनिक बनाएगा, और सेम रेडियस के एटम है मतलब वो कौन सा बनाएगा, मेटालिक सॉलिड बनाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ चुकी है, बेसिक डेफिनेशन है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक मिनट हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल टर्म्स रिलेटेड टू, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड को पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होगी। ठीक है, वो बातें क्या है एक एक करके हम कवर करते हैं। ठीक है, पहला आता है स्पेस लैटिस। क्या आता है? स्पेस लैटिस। ठीक है, स्पेस लैटिस क्या होता है? थ्री डायमेंशनल अगर पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट है, बहुत सारे डॉट है लेकिन थ्री डायमेंशनल ही है, उनको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। ठीक है, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। देखो यहां से मेन टॉपिक आपका चालू होता है, तो यहां से बहुत ज्यादा सीरियस रहो। ठीक है, एक एक पॉइंट दिमाग में अच्छे से कवर करो यहां से। ठीक है, बी सीरियस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, रेगुलर थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज, इन स्पेस इज नोन एज, इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस, इज नोन एज स्पेस लैटिस। इसी में क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस बोलते हैं। जैसे दिस 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 दिस। ठीक है, मान लो अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो देखो ये जो पॉइंट है कितने पॉइंट से घिरा हुआ है? चार पॉइंट से घिरा हुआ है, एक आगे है और एक पीछे है। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट क्या है? थ्री डायमेंशन है, और हर पॉइंट ये पूरा क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट पॉइंट्स का किया मैंने, एक टू डायमेंशन और एक थ्री डायमेंशन। ठीक है, आपको ऊपर नीचे को मैंने ऐसे दिखाया। ठीक है, और हर पॉइंट स्पेस लैटिस का क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट। तो सिंपल से भाषा में समझाऊं, थ्री डायमेंशन पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो स्पेस लैटिस होता है। थ्री डायमेंशन सब एक ये पॉइंट का जाल है, एक ऊपर में भी, ये लेयर ऊपर में भी है, ये लेयर नीचे में भी है। तो और हम इस पॉइंट की बात करते, ये पॉइंट कितने से घिरा हुआ है? एक दो तीन चार पॉइंट से घिरा हुआ है, एक पॉइंट ऊपर में होगा, एक पॉइंट क्या होगा? नीचे में होगा। समझो, ऐसा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से भी घिरा हुआ, 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 ऊपर से भी घिरा हुआ, नीचे से भी घिरा हुआ। तो ऐसे टोटल थ्री डायमेंशन हुआ, और हर पॉइंट स्पेस लैटिस का लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट। तो ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस लिख देता हूं मैं, ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस, ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस आर नोन एज लैटिस पॉइंट, आर नोन एज लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और ईच लैटिस पॉइंट, देखो जो एनवायरनमेंट इस लैटिस पॉइंट को मिल रहा है वही एनवायरनमेंट इस लैटिस पॉइंट को मिलेगा, वही एनवायरनमेंट इस लैटिस पॉइंट को मिलेगा। कैसे? ये भी चार लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ, एक ऊपर में और एक नीचे में है। इसको भी देखो, ये भी चार लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ, एक ऊपर एक नीचे। मतलब जो एनवायरनमेंट इस लैटिस पॉइंट को मिलेगा वो वही एनवायरनमेंट पूरे के पूरे लैटिस पॉइंट को मिलेगा स्पेस लैटिस में। ठीक है, तो ईच लैटिस पॉइंट, ईच लैटिस पॉइंट, each lattice point have same environment, have same environment in entire lattice, in entire lattice। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी है क्रिस्टल लैटिस। क्या है? क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस, व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस, व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस, व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस आर रिप्लेस्ड बाय व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस आर रिप्लेस्ड बाय एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल, एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल, देन क्रिस्टल लैटिस आर ऑब्टेंड, देन क्रिस्टल लैटिस आर ऑब्टेंड। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं हर पॉइंट को स्पेस लैटिस पॉइंट को मतलब क्रिस्टल मतलब स्पेस लैटिस के लैटिस पॉइंट को अगर मैं किसी एटम से आयन से या मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर रहा हूं तो जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा वो एक क्रिस्टल क्रिस्टल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिलेगा या क्रिस्टल का लैटिस मिलेगा या क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, आप कुछ भी बोल सकते हो। दिस का मीनिंग एक ही है, लैटिस मतलब एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपको जब हर पॉइंट का आप रेगुलर अरेंजमेंट करोगे तो मैंने क्या बोला क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या था? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। रेगुलर पार्टिकल क्या हो सकता है? आयंस हो सकते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली हर एटम्स को अगर आप रेगुलरली अरेंज करोगे तो आपको एक लैटिस मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात समझाता हूं फिर से। जैसे मैंने क्या बोला NaCl, NaCl में आपको पता होगा एक Na plus 6 Cl minus से घिरा रहता है, तो यहाँ पे Na plus हो गया, तो यहाँ Cl minus हो गया, 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 एक ऐसे Cl minus और एक ऐसे Cl minus। इसका मतलब हर Na plus 6 Na 6 Cl से घिरा होगा। पूछो कैसे? यहाँ पे भी देख लो Na plus, तो यहाँ पे Cl minus, यहाँ पे भी Cl minus, यहाँ पे भी Cl minus, यहाँ पे भी Cl- और यहाँ पे भी Cl-। उसी तरीके से हर Cl- कितने Na+ से घिरा रहेगा? 6 Na+ से। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, एक Na+ यहाँ हो गया, एक Na+ यहाँ हो गया, एक Na+ यहाँ हो जाएगा, एक Na+ यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और एक Na+ ऊपर, एक Na+ नीचे। मतलब बेसिकली यही सेम पैटर्न और ऐसा बहुत इनफाइनाइट, मतलब मुझे पता भी नहीं कहां तक अरेंजमेंट होगा। और इस तरीके से क्या मिलता है कि आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। तो ये तो जियांट नेटवर्क है। अब आप मुझे बताओ एक जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, यहां तक आपको अगर चीजें समझ में आ गई होंगी तो देखो नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे बेसिकली अगर आपको पूरे NaCl के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का रीडिंग करना, मान लो आपको उसकी प्रॉपर्टी रीड करनी है, आपको उसके बारे में समझना है, तो आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं कि पूरे एंटायर क्रिस्टल के बारे में आप एक एक करके सारे चीज तो आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते, मतलब हर एक चीज के बारे में तो आप स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जनरली एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, एक वो टुकड़ा जो रेगुलर पैटर्न में रिपीटेड होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो दीवार आप मेरे अगर आप देख पा रहे हो, मान लो ये बोर्ड के पीछे एक दीवार है। ठीक है, ये दीवार का पूरे दीवार के बारे में मुझे अगर स्टडी करना है तो मैं इस दीवार का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा जो दैट्स नथिंग बट ब्रिक्स, ईंट, ईंट जिसको हम बोलते हैं, हर एक ईंट वही रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट है और वही रेगुलरली अरेंजमेंट है, वही सेम एनवायरनमेंट मिला हर एक ईंट को, यही तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं, और वही यूनिट सेल रिपीटिंग पैटर्न में होता है। एक यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टी होती है बाकी यूनिट सेल की भी क्या होती है? वही प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो एक ब्रिक का जो अरेंजमेंट होगा, जो भी उस एक यूनिट सेल में भी तो अरेंजमेंट होंगे ना। कहने का मतलब है जैसे मैंने एक इसमें से एक वो पार्ट दिया जिसमें 6 Na, एक Na plus 6 Cl को गिरे हुए और एक Cl minus 6, तो इस तरीके से मैंने एक पार्ट लिया इसका, वो पार्ट हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? क्यूब के फॉर्म में रहेगा।
तो बेसिकली जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ रिपीटिंग पैटर्न में जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट रिपीटिंग पैटर्न में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। और वही यूनिट सेल जो प्रॉपर्टी एक यूनिट सेल की होती है वही पूरी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। और जो उस यूनिट सेल के अंदर जो बेसिकली हमारे सिलेबस में जो यूनिट सेल होते हैं वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्यूबिक फॉर्म में ही होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है, या तो हेक्सागोनल क्यूबिक फॉर्म में होगा या तो सिंपल क्यूबिक फॉर्म में होगा। तो 97% या 98% पूरा चैप्टर क्यूब यूनिट सेल जो होता है वो हर यूनिट सेल क्यूब के फॉर्म में। आप जिस कमरे में पढ़ते हो या जिस घर में पढ़ रहे हो, जहां से आप वीडियो देख रहे हो, देखो आप अपने चारों तरफ देखो, वही क्यूब के फॉर्म में ही है। तो आपने अगर यही चीजें इमेजिन कर ली एग्जाम हॉल में भी कि आपके पास भाई जो भी एग्जाम हॉल में आप जाओगे ऑब्वियस बात ओवल शेप का तो नहीं रहेगा, वो क्यूब शेप का ही रहेगा। तो मतलब आपका हर यूनिट सेल, याद रखना, हर यूनिट सेल आपका क्यूबिक का रहता है। क्या रहता है? क्यूबिक। और वो जैसे एक ब्रिक, इस पूरे दीवार का जो ब्रिक होगा किस फॉर्म में होगा? क्यूब के फॉर्म में। और वही रेगुलर अरेंजमेंट देके आपको क्या दे दिया? क्रिस्टलाइन सॉलिड दे दिया। तो आप जो इस ब्रिक में जो एटम का अरेंजमेंट होगा वही पूरे क्रिस्टलाइन में भी वही एटम का अरेंजमेंट होगा, बराबर। इसके मतलब जो प्रॉपर्टी उस यूनिट सेल की होगी वही प्रॉपर्टी पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड की होगी। तो इसका ये मतलब नहीं आप हर ब्रिक को स्टडी करते जाओगे। आप क्या करोगे? एक ब्रिक को स्टडी करोगे वही पूरा बता दो भैया ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे मिठाई लेने जाते हो, ठीक है, मिठाई लेने जाते हो, तो ऐसा थोड़ी ना आप पूरा मिठाई टेस्ट करते हो। आप क्या करते हो भैया, एक मिठाई चेक कराना, जो मीठा आपको पसंद है वही सारा टेस्ट सारे मिठाई का भी वही रहता है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से आप ऐसे समझते हो, आपने देखा होगा केक, ठीक है, पूरा केक खरीदने जाओगे तो आपको 200, 300, 300 पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी को कट करके, मतलब आप क्या करो उसको कट कर दो और उसको पेस्ट्री के फॉर्म में भी हम लोग बेचते हैं, जनरली पेस्ट्री के फॉर्म में भी बेचा जाता है उसको। तो उसमें क्या होता है, जब पेस्ट्री के फॉर्म में बेचता है उसी को वो 50-60 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा कि जो पेस्ट्री का टेस्ट होगा वही उस केक से मैंने कट कर दिया और उसको पेस्ट्री के फॉर्म में ले दिया, तो जो एक पेस्ट्री का टेस्ट होगा वही तो पूरे केक का भी तो टेस्ट वही होगा ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमें जो पढ़ना, हमारे सिलेबस में यूनिट सेल के बारे में पढ़ना, जो तीसरा टर्मिनोलॉजी वो यूनिट सेल है। तो फिर से मैं बता रहा हूं यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच आर इन रिपीटिंग पैटर्न एंड टुगेदर दे होल फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेसिकली तो यही डेफिनेशन होती है यूनिट सेल के। और हमें बस यूनिट सेल के बारे में स्टडी करनी, पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करनी कोई जरूरत नहीं। मतलब आपने यूनिट सेल की स्टडी कर दी और अपने आप में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना हो जाता है, ठीक है। तो यहां चीज आपको समझ में, जैसे आपने क्या किया भैया, आई फिर से एक एग्जांपल समझाता हूं कि आप क्या करते हो कि अंगूर लेने जाते हो, तो एक अंगूर टेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है पूरा गुच्छा मीठा है या खट्टा है। आप पेंसिल का डजन लेने जाओ, पूरे बल्क में आप पेंसिल लेते हो, तो आपने एक पेंसिल खरीदा तो ऑब्वियस बात है बाकी सब पेंसिल भी तो वैसे होंगे। तो वही स्मॉलेस्ट पैटर्न है, वही रिपीटिंग पैटर्न है, वही स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको यूनिट सेल कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। उसमें जो अरेंजमेंट होता है वही पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी एटम्स का अरेंजमेंट वही होता है, ठीक है। तो मैं क्या देता हूँ यूनिट सेल, तीसरा टर्मिनोलॉजी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेल है, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल इन एनी क्रिस्टल विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन which on repetition again and again which on repetition on again and again generates the whole lattice is known as unit cell is known as unit cell. Unit cell is the same property. Unit cell has the same property. Unit cell has the same property as entire crystal. And there are infinite unit cell in any crystal
होता है वही स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल व्हिच ऑन रिलेट्स वन व्हिच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन जनरेट्स द होल लैटिस होल लैटिस मतलब होल क्रिस्टल ठीक है वही होल स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं इज नॉट ए यूनिट सेल यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टी होती है वही पूरे पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी और दे आर इनफाइनाइट यूनिट सेल ठीक है इन एनी क्रिस्टल ठीक है तो ये ओवरऑल था अब यूनिट सेल में क्या होता है दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं ठीक है देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट सेल देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट सेल ठीक है पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल भैया प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है ऐसा यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कहां हो कॉर्नर पे हो ऐसा यूनिट सेल जहां पे लैटिस पॉइंट कहां हो कॉर्नर पे ठीक है तो यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर ओनली एट कॉर्नर ठीक है तो उनको हम क्या बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल बेसिकली कह रहे आपको आपको मैंने पहले बोला यूनिट सेल किस टाइप का होता है क्यूब शेप का होता है ठीक है तो ये मान लो एक यूनिट सेल है तो मतलब लैटिस पॉइंट मतलब एटम मतलब एटम सिर्फ अगर आपके कॉर्नर पे होंगे अगर सिर्फ कॉर्नर पे होंगे तो उनको हम उस यूनिट सेल को मतलब लैटिस पॉइंट मतलब एटम क्योंकि मैंने क्या बोला था क्रिस्टल पूरे स्पेस लैटिस का जो हर पॉइंट होता है वो लैटिस पॉइंट होता है और इसी पे एटम आके रिप्लेस होता है मतलब एटम की जगह है बेसिकली तो लैटिस पॉइंट बोलो अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो लैटिस पॉइंट होगा क्योंकि स्पेस लैटिस है अगर स्ट्रक्चर बन गया है मतलब एटम उसकी जगह पॉइंट की जगह पे एटम आ चुके हैं तो क्रिस्टल लैटिस हो जाता है तो बेसिकली अभी कोई यहाँ पे एटम नहीं आया तो मैंने इस पॉइंट को क्या बोल दिया लैटिस पॉइंट बोल दिया अगर पॉइंट सिर्फ आपका कॉर्नर पे तो ये कौन सा यूनिट सेल हो जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल ठीक है दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है भैया जैसे कॉर्नर पे तो हो बाकी अलावा उस बाकी और जगह पे भी हो तो उसको क्या बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं ठीक है यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट Lattice point are present at corner corner as well as center ठीक है corner के अलावा centers में present हो तो उनको हम क्या बोलते हैं ठीक है अब उनको non primitive अब एक cube में कौन कौन सा center हो सकता है देखो कॉर्नर तो हो गया अगर बॉडी के सेंटर में एक क्यूब में एक बॉडी में सेंटर में बड़ा सा बॉल है जो पूरे क्यूब को कवर करता है बट वो क्यूब के बाहर नहीं है तो उस अगर वो सेंटर बॉडी के सेंटर में है मान लो ये कमरा है इस कमरे में बड़ा सा बॉल है ठीक है जो पूरे सारे फेसेस को क्या कर रहा है टच कर रहा है लेकिन वो फेसेस के बाहर नहीं जा रहा वैसा बॉल जो क्यूब के अंदर आ चुका है ठीक है और पूरे बॉडी के सेंटर में है तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे ठीक है और अगर मान लो ऐसा बॉल जो सिर्फ कहां हो फेस के सेंटर में हो कहां पे हो फेस के सेंटर में हो ये जो मान लो ये जो है ना मान लो ये आगे ये सिर्फ फेस के सेंटर में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं और अगर मान लो सिर्फ मान लो आपके दो किसी एंड सेंटर में एक आगे में और एक पीछे में आगे पीछे में तो उसको हम क्या बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं ठीक है तो बेसिकली इसमें कौन कौन सा टाइप होता है एक होता है बॉडी सेंटर्ड होता है क्या होता है बॉडी सेंटर तो बॉडी सेंटर में भी खासियत कॉर्नर में तो रहेंगे साथ में बॉडी के सेंटर में रहेंगे ठीक है एक होता है आपका फेस सेंटर में क्या होगा कॉर्नर में रहेंगे प्लस फेस सेंटर में रहेंगे ठीक है एक होता है आपका एंड सेंटर ठीक है एंड सेंटर में क्या होता है कॉर्नर देखो कोई भी यूनिट सेल हो चाहे बॉडी कॉर्नर में हमेशा लैटिस पॉइंट रहेगा या एटम रहेगा ही रहेगा ठीक है तो यहां पे क्या होगा एनी टू अपोजिट फेस ठीक है तो ये आपका क्या हो गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ठीक है तो यहां पे आपको चीजें समझ में आ चुके होंगे चलो ठीक है अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट आपका पॉइंट्स आता है डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस ठीक है तो यहां तक आपको यूनिट सेल के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा उसके टाइप
टाइप कैसे होते हैं, बेसिकली कोई भी हिस्ट्री का छोटा पार्ट हम लोग जो जनरली कवर करते हैं हमारे सिलेबस में, हमने माना जो यूनिट है वो हर यूनिट सेल एक क्यूब के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो ये हम हर अब जो भी चीजें पढ़ेंगे हम क्यूब के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेसिकली हर यूनिट सेल क्यूब के फॉर्म में रहेगा और उस क्यूब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बिफोर उसमें जाने से पहले हम ये पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। आप लोग लिखिए दो मिनट के लिए एक बार। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। तो पहला मेरा यहाँ पे होता है 1D लैटिस। क्या होता है 1D लैटिस, ठीक है, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं अलोंग वन लाइन, अलोंग वन लाइन, ठीक है। इसको बेसिकली अच्छे में डिटेल में समझने के लिए ऐसा समझो, ठीक है। जैसे मान लो ठेला वाला जब संतरा बेचने जाता है तो देखते हो उसका संतरा कहीं से भी हिलता नहीं है, क्यों? आपको ये सीखना है कि आखिर ये जो यूनिट्स मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है वो कैसे बनता है, आखिर उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो यहीं पे वो चीज हम सीखते हैं। तो जनरली क्या करता है, पहले ठेला वाला संतरा एक लाइन के फॉर्मेट में लगाता है, क्या लगाता है, एक लाइन वाइज लगाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1D लैटिस, अलोंग द लाइन। तो अलोंग द लाइन लगाने के लिए अगर आपको एटम को अरेंजमेंट करना तो कितने पैरामीटर्स की जरूरत होगी, बस आपको ये पता कर लो कि दो एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो वो जो एक जो डिस्टेंस होगा, मतलब आपको सिर्फ एक डिस्टेंस चाहिए, मतलब एक ही पैरामीटर चाहिए। तो 1D लैटिस को फॉर्म करने के लिए ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। तो ओनली वन पैरामीटर रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन any two lattice point, दो lattice point के बीच में सिर्फ distance point लो, दो lattice point के बीच में distance को एक ही parameter होगा, जो distance ये होगा वही distance ये, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक parameter चाहिए line में arrange करने के लिए। तो ये हो जाएगा one ये distance या ये distance या ये distance, ठीक है, सब DDD, ठीक है। तो एक पैरामीटर अलोंग द लाइन अरेंजमेंट करने के लिए सिर्फ आपको एक पैरामीटर की जरूरत है, ठीक है। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे वो अलोंग द यहां से भी अरेंजमेंट करना चालू करेगा, मतलब अब पूरा अब पहले वो लाइन में जाएगा, अब फिर वो प्लेन कवर करेगा, क्या कवर करेगा, प्लेन कवर करेगा। तो टू डायमेंशन मतलब एक प्लेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज की जरूरत होगी, एक तो ये डिस्टेंस क्यों रही, ये डिस्टेंस क्यों रही के बीच का एंगल, तो तीन पैरामीटर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं अगर बात करूं 2D लैटिस में, 2D लैटिस में, ठीक है, तो ये होता है अलोंग प्लेन, ठीक है। अलोंग प्लेन में क्या होता है, थ्री पैरामीटर्स, ठीक है, थ्री पैरामीटर्स कौन कौन से है, टू डिस्टेंस, दो तो आपको डिस्टेंस चाहिए किसमें, जैसे सपोज करो आपको ऐसे अरेंजमेंट करना था, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस और एक वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चाहिए आपको और इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो टू डिस्टेंस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड, एंड एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब एक ऐसे जैसे सपोज करो यहां दो पॉइंट के बीच का ए डिस्टेंस है, यहां बी है, और ये सपोज इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो आपको तीन पैरामीटर चाहिए, ए बी और अल्फा। अब इस तीन अरेंजमेंट से आप कितने प्लेन बना सकते हो, मतलब कितने टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं उनको भी हम।
पॉइंट्स को अरेंजमेंट कर दिए, तो ये मैं लिस्ट से लैटिस हर पॉइंट में लिख कर दूंगा, लैटिस पॉइंट हो जाएगा। अब तीन पैरामीटर से मैं कितने स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स वाले पता बताएंगे मुझे कि कितना बना सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मान दो ये स्ट्रक्चर अगर a इक्वल टू b रहा, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री रहा, तो इस स्ट्रक्चर में क्या बोलूंगा, स्क्वायर प्लेनर बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, स्क्वायर प्लेनर। तो मतलब आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे कितने स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, यही मान लो अगर अगर a नॉट इक्वल टू b है लेकिन अल्फा 90 डिग्री है, तब आपको दूसरा जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर प्लेन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये हर एक यूनिट सेल है, मान लो अब यही स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। अगर किसी यूनिट सेल में अगर एज लेंथ ए और बी, मतलब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस वाई एक्सिस का डिस्टेंस बराबर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो यूनिट सेल स्क्वायर यूनिट सेल हो जाएगा। वही अगर मान लो अगर a नॉट इक्वल टू b है, तो आप मतलब मैं ये तो आपको मैं पॉसिबिलिटी बता सकता हूं कि आप नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी बना सकते हो स्ट्रक्चर, लेकिन उनका बीच का कंडीशन समझिए। भैया अगर किसी यूनिट सेल का ऐसा बोले, भैया कोई यूनिट सेल मैंने निकाला किसी क्रिस्टल सेल से, उसका दोनों के एज लेंथ बराबर था एक्स और वाई एक्सिस के बीच में और एंगल 90, तो वो यूनिट सेल कौन सा होगा भैया, स्क्वायर यूनिट सेल होगा। भैया मैंने ऐसा बोला कि मान लो आपने यूनिट सेल निकाला है किसी क्रिस्टल से, उसका दो एज लेंथ तो बराबर नहीं है बट एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सा होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सॉरी। ठीक है, तो वही मैं ऐसे पूछ रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ये क्योंकि अलोंग द प्लेन यही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी होता है बट अल्फा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अल्फा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे 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 और ऐसे, तो ये वाला जो होगा वो हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस में भी क्या होता है, कंडीशन a इक्वल टू क्या रहता है, b होता है बट अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे कौन से यूनिट सेल है, प्रिमिटिव है, देखो लैटिस पॉइंट कॉर्नर में, लेकिन ये नॉन प्रिमिटिव, कॉर्नर में तो है लेकिन साथ ही साथ कहां पे, सेंटर में भी है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, वैसे ही जैसे सपोज करो एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हेक्सागोनल। इसमें भी दो ही पैरामीटर भैया, a नॉट इक्वल टू b तो है, a नॉट इक्वल टू b बट अल्फा कितना हो गया, 60 डिग्री। अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल, ये रोम्बस यूनिट सेल हो गया। तो बेसिकली तीन पैरामीटर से आप इतने ही प्लेन बन सकते हैं, और यूनिट सेल का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द क्रिस्टल कि आपको क्रिस्टल किस टाइप का। ठीक है, लेकिन ये बात हो रही है 2D की, ये मैं 2D में समझाने की बात कर, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल 2D 2 डायमेंशन का नहीं होता, कोई भी क्रिस्टल 3 डायमेंशन का होता है, बट 2 डायमेंशनल पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर की जो होती है वो यही हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के तौर पर बता, आखिर 1 डायमेंशन में कैसे बनता है, फिर 2 डायमेंशन होता है। अब क्या करता है, जब संतरे पूरे प्लेन में जमा लिए, इसके बाद वो ऊपर ऐसे पिरामिड की जैसे अरेंजमेंट करना चालू करता है, तो फिर वो भरता ऊपर, तब पहले एक बार ऐसे भरेगा और इसके बाद ऐसे भरेगा, तभी तो क्या होगा, x y और z एक्सिस। अब 3 डायमेंशन आपको कितने पैरामीटर की जरूरत है, सोचो 1 2 3 3 डिस्टेंस और 3 एंगल, तो इसका मतलब 6 पैरामीटर से आपके नंबर ऑफ 7 स्ट्रक्चर्स बनते, कितने बनते हैं, 7 स्ट्रक्चर। ठीक है, आई बात समझ में, यही 7 स्ट्रक्चर में बहुत बार क्वेश्चन जेईई और नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, किन किन टाइप के क्रिस्टल के यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट तीसरा तीसरा है 3D लैटिस। ठीक है, 3D लैटिस में आपको कौन कौन सा पैरामीटर चाहिए? 6 पैरामीटर चाहिए। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज डिस्टेंस चाहिए आपको एक्स वाई जेड में एंड 3 एंगल्स चाहिए। ठीक है, 3 डिस्टेंस और 3 एंगल्स मतलब एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में, एक्स वाई जेड, एक अल्फा चाहिए, एक बीटा चाहिए और एक गामा चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से और इनके बेसिस में ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, अल्फा बीटा गामा के रिलेशन के, इनको देख देख कर जो एक ब्रैविस नाम का साइंटिस्ट था उसने ब्रैविस लैटिस बनाए, उसमें 7 स्ट्रक्चर्स दिए थे उन्होंने, हर यूनिट सेल मतलब उसने बहुत सारे क्रिस्टल्स के स्टडी की और उसने 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल का डिस्कवरी किया, मतलब 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर का इन्वेंशन किया और उसने उसको टोटल लैटिस का नाम दिया, ब्रैविस लैटिस नाम दिया था। ठीक है, तो उसी का बोला ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन A, B and C, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, ये डिस्टेंस C, ठीक है, वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर पॉसिबल, आर पॉसिबल इन 3D, आर पॉसिबल इन 3D। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मतलब अगर अल्फा एबीसी जैसे हमने 2D में देखा था ना, ए बी के रिलेशन से अल्फा अल्फा बीटा अल्फा को चेंज करने से कैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा, वैसे ही इनके रिलेशन से और इनको चेंज अल्फा बीटा की वैल्यू से 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इस चार्ट को। और इस चार्ट में से बिलीव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इवन दो जेई एडवांस में तीन बार क्वेश्चन आ चुका है कि भैया ए बी सी के वैल्यू होने से अल्फा बीटा की ये वैल्यू होने से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो उसमें यूनिट सेल तो जरूर होगा। अब किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में हो सकता है एक से ज्यादा यूनिट सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो समझो इनके वैल्यू से कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं। तो 7 टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम, तो जिसका पहला होता है सी टी ओ एच आर एम टी, सी टी ओ एच आर एम टी। ठीक है, ये आप ऐसा समझो सिटी ऑफ हरियाणा महाराष्ट्र, सिटी ऑफ हरियाणा महाराष्ट्र, सिटी ऑफ हरियाणा महाराष्ट्र, ये आपका ये सपोज करो
सिटी ऑफ हरियाणा महाराष्ट्र, ठीक है। सी से मतलब होता है क्यूबिक, ठीक है। टी से मतलब होता है टेट्रागोनल, ठीक है। और डिटेल में देखना होगा तो इनके स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में दिए होंगे, डिटेल में आपको समझने के लिए आपको आप समझ रहे हो कि नंबर ऑफ कितने 3D 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्रिस्टल लैटिस के, सिर्फ किसके, इनको चेंज करने से स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। आपको समझाता हूं मैं। ओ से होता ऑर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है। एच से होता है हेक्सागोनल, ठीक है। आर से होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। एम से होता है मोनोक्लिनिक और टी से होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ए बी एस ए क्यूबिक मतलब ऑब्वियस से बात है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। टेट्राकोनल में क्या होता है ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ऑर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। अब यहां से फिर से रिपीट करो, एक बार यहां तक हो गया फिर यहां से जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है फिर अगेन ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अगेन फिर आपको क्या आ जाएगा ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये पांच आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू पहले आपको ऐसे ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा टेबल क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका लॉजिक्स क्या है, सात क्रिस्टल, सात टाइप के क्रिस्टल सिस्टम कौन सा, CTOH RMT। मान लो कोई कंपनी है आपकी, ठीक है, जिसमें आपका प्लेसमेंट हुआ जिसका नाम है CTOH RMT, या तो हमें से ज्यादा सिटी ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र। सी में मतलब क्या होगा, पहले तीन याद रखना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, दूसरे में एक नॉट इक्वल होता है, तीसरे में तीनों नॉट इक्वल होता है, फिर रिवर्स चला जाएगा यहां से, फिर यहां से ये तीन होगा। अब यहीं से पकड़ो, ये तीनों में नॉट इक्वल है, फिर इसके बाद ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद ये उल्टा, फिर उल्टा चल जाएगा, समझ में आ रहा है। एक बार नीचे जाओगे तो ऐसा जाएगा, फिर यहीं से ऊपर चले जाओ तो ये कॉमन रहेगा, दोनों पैटर्न में ये कॉमन रखो, समझ में आ। तो एक बार जब नीचे जाते आ रहे तो पहले वाले में हम तीनों इक्वल साइन देंगे, दूसरे वाले में सिर्फ एक इक्वल साइन देंगे, तीसरे वाले में कोई इक्वल साइन नहीं देंगे, लास्ट वाले को कॉमन रखो, फिर रिवर्स जाओ तो ये पहला दूसरा वाला मेरा सेम इधर आ जाएगा, तीसरा वाला सेम, मतलब यहीं से रिवर्स हो जाएगा ये। तो ये तीनों पैटर्न में ये पार्ट कॉमन है मेरा, तो आपको याद हो गया है। उस याद करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि पहले a not equal to b, a not equal to b not equal to c, a not equal to b not equal to c, अब a not equal to b वो कॉमन रखो, फिर रिवर्स आओ, रिवर्स क्या हो जाएगा, फिर a not equal to not b equal to c, यहीं से फिर नीचे आ जाओ यहाँ पे a equal to b not equal to c, फिर तीसरा a equal to b not equal to c। तो ये पांच आपको ऐसे याद हो गए, याद रखना लास्ट का तीनों कॉमन होता है, a equal to b not equal to c, a not equal to b not equal to c, ये कॉमन रहता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये पांच आप ऑटोमेटिकली आता है, दो और याद रखना, दो लास्ट के हमेशा नॉट इक्वल टू होते हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंगल याद रखने का और भी अच्छा तरीका, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हमेशा 90 डिग्री होगा, क्या होगा हमेशा। तो ये स्टार्टिंग के तीन कॉमन होते हैं, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब हेक्सागोनल में आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में गामा क्या होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रोम्बोहेड्रल में, बस याद रखना a इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बट गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। और याद रखना a अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा इक्वल टू नॉट गामा इज नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। तो एंगल तो तीन तो आपको याद होगा, चौथा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, पांच इसमें क्या करना, अल्फा इक्वल टू बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो आपको 90 डिग्री, दो 90 डिग्री रहेगा, तो तीसरा 90 डिग्री नहीं रहेगा, और लास्ट के तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री नहीं। तो एक बार दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये याद करने का तरीका मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी कर सकते हो। तो ये तीनों 90 डिग्री होते हैं, ये तीनों में से इक्वल भी नहीं होता ना 90 डिग्री होता, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक तो चेको चार तो सेम हो गया, तीन आपको कैसे याद करना, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो, ये सेम रहेगा तीन तक, ठीक है, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू 90, बस ये तीन आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है भैया, दो 90 डिग्री होंगे हेक्सागोनल में, तीसरा 120 डिग्री होगा, ये दो तीनों बराबर होंगे बट 90 डिग्री नहीं, चौथा क्या होगा, दो 90 डिग्री होगा बट तीसरा 90 डिग्री बराबर नहीं होगा। तो ऐसे दो तीन बार याद करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यार,
अब इस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में बेसिकली कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो इसमें होता है 3 2 3 2 4 1 1 2 1, ठीक है? सिटी ऑफ हरियाणा महाराष्ट्र का जो आपका पिन कोड है, सपोज करो ऐसा 3 2 3 2 4 1 1 2 1, सिटी ऑफ हरियाणा महाराष्ट्र का पिन कोड क्या है? 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2 1, ऐसे याद रखो, ठीक है? अब तीन टाइप के यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं, देखो जिसमें एक यूनिट सेल है, तो मान के चलो भैया कैसा भी यूनिट सेल हो, कम से कम किसी भी क्यूब में अगर क्यूब बना होगा तो ऐसे ही बना होगा, क्योंकि सारे के ऐसे एग्जांपल में मान के चलो, चाहे अब ये ऐसा हो सकता है टेढ़ा हो, ऐसा हो, वैसा हो, बट होंगे क्यूब, क्यूब जैसे ही होंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट क्यूब जैसे होंगे, तीन है तो भैया ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऐसा, बट एंगल चेंज करने से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, होगा तो इसी टाइप का। तो कम से कम कैसा भी यूनिट सेल हो, एटम कम से कम कॉर्नर में तो प्रेजेंट रहेंगे रहेंगे, कोई भी यूनिट सेल हो एटम तो कॉर्नर में रहेंगे रहेंगे, मतलब सब में कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल सब में प्रेजेंट होगा, मतलब कुछ भी हो जाए एटम कॉर्नर में तो आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, अब दो तीन वाले में हो सकता है, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, एक बॉडी सेंटर्ड होता है, एक फेस सेंटर्ड होता है, ठीक है? इसमें कौन सा होगा, प्रिमिटिव होगा और बॉडी सेंटर्ड होगा, ठीक है? इसमें कौन सा होगा, प्रिमिटिव होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, एज सेंटर्ड होगा और फेस सेंटर्ड होगा, ठीक है? और इसमें प्रिमिटिव प्रिमिटिव, इसमें क्या आंसर होगा, ये एक हैंड सेंटर्ड होगा, ठीक है? तो इस टाइप के टोटल टाइप के यूनिट सेल कितने होते हैं, 14, 3 2 5 4 9 10 11 2 13 1 14 टाइप के ब्रेवस लैटिस या ब्रेवस यूनिट सेल आपके फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली समझ में आया, ठीक है? तो इसमें याद रखना, आउट ऑफ 7 क्रिस्टल क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, देखो क्यूबिक क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल है, और ट्राइक्लिनिक क्या है, ट्राइक्लिनिक क्या है, नॉन सिमेट्रिकल। तो बेसिकली मैक्सिमम में क्यूबिक की स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है? याद रखना, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं, आउट ऑफ दिस सेवन क्रिस्टल सिस्टम, आउट ऑफ दिस सेवन क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक, क्यूबिक सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक, क्यूबिक सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक एंड नॉर्मली फाउंड इन मैक्सिमम स्ट्रक्चर, और मैक्सिमम आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर ही मिलेगा, मतलब वो मैंने आपको पहले बोला था यूनिट सेल आपको कैसा मिलेगा, क्यूबिक, और 97% केसेस में आपको जो यूनिट सेल मिलता है क्यूबिक यूनिट सेल ही मिलता है, ठीक है? बाकी हालांकि ये आपको सिर्फ याद रखना है, हालांकि हमारे सिलेबस में सिर्फ आपको किसके बारे में पढ़ना है, क्यूबिक के बारे में पढ़ना और हेक्सागोनल के बारे में पढ़ना है, ये बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना क्यूबिक के बारे में, इसलिए जो भी आप जो भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे आगे जाके वो मैक्सिमम क्यूबिक होता है। क्यूबिक में आपके कौन से तीन टाइप के यूनिट्स, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, यही यूनिट सेल इसमें पाए जाते हैं, यही यूनिट सेल आपके बारे में पढ़ने हैं। तो क्यूबिक सिस्टम इज द मोस्ट सिमेट्रिक एंड नॉर्मली फाउंड इन मैक्सिमम स्ट्रक्चर एंड नॉर्मली फाउंड इन मैक्सिमम स्ट्रक्चर, नॉर्मली फाउंड इन मैक्सिमम स्ट्रक्चर, ठीक है? अब कुछ क्यूब के बारे में आप जानकारी ले लो, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है? समझो बात को, अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी है मेरे हैंड राइटिंग ड्रॉइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं चाहूंगा कि आप हर चीज अच्छे से समझो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर हो जाएगा आपका, तो ऐसे आपके पास नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हुए, नंबर ऑफ कॉर्नर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर पे कितने एटम्स होंगे, 8 एटम्स होंगे, कितने होंगे 8 एटम्स, ठीक है? तो नंबर ऑफ कॉर्नर भी कितने हो जाएंगे 8, ठीक है? फेस सेंटर्ड की बात करूं तो फेस सेंटर्ड एक ये हो गया, देखो
इसको मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूँ। एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। समझो अब है, समझो अगर मैं इसको क्यूब, तो एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर, छह कॉर्नर, सात कॉर्नर, आठ कॉर्नर, ये आपका क्या हुआ, आठ कॉर्नर हो गए। फेस सेंटर किसी क्यूब में कितने होंगे, पहला फेस सेंटर ये होगा, ये भी एक फेस है, ये क्यूब है, इसका एक ये फेस है, इसका एक जो सेंटर होगा ये फेस सेंटर होगा, दूसरा फेस सेंटर इसके अपोजिट, तीसरा फेस सेंटर इसके अपोजिट, चौथा फेस सेंटर इसके अपोजिट, पांचवा फेस सेंटर यहाँ पे, छठा फेस सेंटर यहाँ पे। तो वही चीज मैंने लिखा है, एक दो, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, अप डाउन, ठीक है। तो वो चीज आपको समझ में आया, ठीक है। तो छह फेस सेंटर होगा। एज सेंटर की बात करो तो ये हो जाएगा एज सेंटर, क्रॉस से एज सेंटर दिखा रहा हूँ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, क्योंकि देखो कोई भी एज, कितने एजेस है, एक दो तीन चार, चार एजेस है, पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ऐसे बारह एजेस है। हर एज का सेंटर को हम एज सेंटर कहते हैं, तो ऐसे कितने एज सेंटर बनेंगे आपके, बारह एज सेंटर बनेंगे। कितने बारह सेंटर बने, बारह। बॉडी सेंटर आपका कितना होगा, एक बॉडी सेंटर होगा, बीसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बॉडी सेंटर होगा पूरे क्यूब में, एक ऐसा सेंटर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ से, तो ये आपको इमेजिनेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फेस डायग्राम, तो फेस डायग्राम कितना होगा, देखो अगर मैं इसके बाद, ये भी एक फेस है, तो एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ये एक फेस, तो एक फेस में कितने फेस डायग्राम है, दो फेस है, तो आपके पास ऐसे कितने फेसेस है, छह फेसेस है, तो कितने डायग्राम हो गए, बारह फेस डायग्राम हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बॉडी डायगोनल की, देखो तो दो बॉडी डायगोनल, एक एक जाएगा ऐसे जाएगा, एक एक ऐसे, देखो एक वो कॉर्नर पकड़ो, ठीक है, एक वो कॉर्नर पकड़ो, शायद आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूं, ऐसे समझो, देखो एक जाएगा ऐसे बॉडी सेंटर से पास करते हुए, ठीक है, एक जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, चार बॉडी डायगोनल, एक ऐसे जाएगा, ठीक है, और एक ऐसे जाएगा, ठीक है, एक ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया, ठीक है, एक दे दिया मैंने, एक जाएगा आपका यहां से, ठीक है, तीन, और एक यहां से यहां चला गया, हाँ दो और दो, ठीक है, ये दो ऐसे हो गए, ये दो ऐसे होगा, और एक जाएगा ऐसे ऊपर वाला, ये इसको नहीं कवर करेगा, सॉरी ये वाला बॉडी डायगोनल है ना, ये वाला बॉडी डायगोनल इसको टच करेगा, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट इसको टच करेगा। तो आप समझ पा रहे हो मैं कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो शायद मैं इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश, ये क्यूब है, ठीक है, इसके सेंटर में, तो ये वाला सेंटर इधर टच करेगा कॉर्नर को, ये कॉर्नर को, ठीक है, शायद चलो ये पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगा, बेटर है कि आपको शायद अभी नहीं समझ में आएगा। तो ये पॉइंट इस क्यूब में कौन कौन से फेस, फिलहाल के लिए अगर आप सोच सकते हो तो सोचिएगा। अगर देखो एक पॉइंट ऐसे जाएगा, एक बॉडी डायगोनल, फिर वैसा जाएगा बॉडी डायगोनल दो, एक ऐसा जाएगा तीन, और एक ऐसा जाएगा, तो चार बॉडी डायगोनल हो गए, बारह फेस डायगोनल हो गए, ठीक है। लेंथ तो अगर मान लो सबका एज लेंथ ए है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक फेस डायगोनल, इसका ए और इसका ए, तो इसका इसका लेंथ कितना हो जाएगा, रूट टू है, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल की लेंथ की बात करो, अगर इसका इसका लेंथ आपको निकाला वो कॉर्नर से ये कॉर्नर पे, तो सपोज करो ये लेंथ ए है, ठीक है, ये लेंथ ए है, ऐसा पकड़ो ये वाला कॉर्नर एक हो जाएगा, एक ये वाला कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, इमेजिन कर लिया ट्राइंगल, और एक ऐसे, तो इस ये वाला जो लेंथ होगा फेस डायगोनल का लेंथ है, ये वाला लेंथ आपको कौन सा, देखो ऐसा समझो, ये वाला लेंथ आपको कॉर्नर वाला, ये वाला लेंथ आपको फेस डायगोनल वाला, तो ये रूट टू और ये ए, तो इसके ऊपर का जो होगा, मतलब समझो इसके ऊपर का जो ट्राइंगल जो लेंथ होगा हाइपोटेनस, ये रूट टू है और ये, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ रूट थ्री हो जाएगा, तो एक बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है रूट थ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब एक एटम का कितना शेयरिंग होता है, क्या होता है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। कल के पॉइंट में फिर हम बाकी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, छह सात आठ घंटे का टॉपिक, आठ नौ घंटे का, तो आपको मैं जल्दी जल्दी से, तो प्लीज एक बार इसको रिवाइज करते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाकी चीजें कल करते, थैंक यू वेरी मच।